दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल एवन क्लासेज। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का। ये सेट वन है दोस्तों, इसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो ये टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो सिरके में पाया जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सभी आपके किसी ना किसी एग्जाम में से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये दोस्तों होता है फार्मिक एसिड। और दोस्तों, एसिड वाले से आपका अभी जो UP SSC पेट का एग्जाम हुआ है उसमें से दोस्तों इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, ये UP SSC के सेकेंड सेट में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑक्जैलिक अम्ल। ये फर्स्ट सेट में आया था दोस्तों UP SSC पेट का भी जो एग्ज़ाम हुआ है। नेक्स्ट है, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी की पथरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो किडनी की पथरी होती है दोस्तों, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए भैया, कमेंट करिए आंसर। ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थित है हमारा नई दिल्ली में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कड़क, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये दोस्तों होगा भारत में, यानी कहाँ पर होगा दोस्तों? अपने देश इंडिया में। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये मेजर ध्यानचंद को सबको ही पता है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई, राइट आंसर बताइए फटाक से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ग्रीन हाउस गैस। क्या आएगा? ग्रीन हाउस गैस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये ओजोन परत संरक्षण से है। किससे? ओजोन परत संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है Washington DC। जी हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नैरोबी। कहाँ पर है? केन्या में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जिनेवा में। दोस्तों व्यापार संगठन मुख्यालय जितने भी मुख्यालय हैं दोस्तों, अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो मैंने वीडियो बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, जाके वॉच करिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन OPEC यानी OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना। वियना कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? वियना, और ये यहीं पर है। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। तो ये दोस्तों पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा। नेक्स्ट है 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो ये किए थे दोस्तों PSLV C-37 के द्वारा। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, क्या है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइए किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये दोस्तों सिपकीला दर्रा। किससे? सिपकीला दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो ये दोस्तों है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों हमारी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई? भोपाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है भाई? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। नेक्स्ट है सिमली पाल टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है? ये दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बेंगलोर। नेक्स्ट है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये चंदेल शासक ने कराया था। कहाँ पर है? छतर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है दोस्तों पंचायतन शैली में। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो ये चारबाग शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर का ताजमहल किसे कहते हैं दोस्तों? तो कमेंट करिए राइट आंसर क्या है भाई इसका, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं का मकबरा। क्या होगा? हुमायूं का मकबरा। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये द्रविड़ शैली में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था चोल शासकों ने। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों स्थित कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और दोस्तों इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।